सरकारी उपेक्षा की शिकार हुई काशीराम कॉलोनी। बता दें काशीराम कॉलोनी में इतनी गंदगी व्याप्त है जिससे आए दिन बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। जनपद जालौन के कोंच नगर में बसपा सरकार में बनवाई गई काशीराम कॉलोनी में बदहाली का आलम विकास की गवाही दे रहा है। सरकारों की वैचारिक बेमनस्यता लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। काशीराम शहरी आवास योजना अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। पिछली सरकार और वर्तमान सरकार की घोर उपेक्षा का शिकार हो गई। आपको बता दें मायावती सरकार में गरीबों को मुफ्त आवास के लिए योजना संचालित की गई थी जिसमें बेघरों के आशियाने बने और तमाम सुविधाएं दी गई थी, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ रहना बीमारियों को दावत देना जैसा है। यहाँ रहने वाले लोग बिना साफ सफाई के और किसी सरकारी सुविधा के रहने को मजबूर हैं। यहाँ कूड़े के ढेरों में गंदगी पसरी है। समय बदला, सरकार बदली तो काशीराम कॉलोनी का हाल भी बदलकर बदहाल हो गया। कॉलोनी में आलम यह है कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। सालों से कॉलोनी के आवासों पर कोई रंग रोगन नहीं हुआ। हरिओम बुदौलिया, जालौन, समाचार 24। साफ सफाई होती है इधर? नहीं होती। क्या नाम है? देखो हमारा कमल सिंह। साफ सफाई नहीं होती है? नहीं। फिर साफ सफाई करती है? हम तो जब अपने कर लेते थे सफाई, इधर पर नहीं होती सफाई तो क्या करें? कूड़े वाला आता नहीं है उठाने, ना जी करने आते ना आली आली। कहीं शिकायत की हमने? नहीं करी कभी सफाई। नाम है आपका? विजय कुमार तिवारी। आप ये कांचीराम कॉलोनी में कब से रह रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही है आपको? 2014 में विकलांग कोटा में हमको ये कॉलोनी मिली थी, तब से ना तो इसकी कोई पोताई हुई। पहले यहाँ चेयरमैन मेहतर भी रखे थे, चार सफाई कर्मी, अब इन चेयरमैन ने वो भी हटा लिए हैं। ना तो यहाँ सफाई होती है, जब कभी सफाई के लिए आते हैं झाड़ झक्खड़ ज्यादा हुआ है, कीड़ा पतंगा सभी निकल रहे हैं। हम लोगों को कभी कभी बिजली दिन दिन भर दो दो दिन तक नहीं आती है, सुनवाई ही नहीं होती है। तो कभी कोई अधिकारी आया आप लोगों को सुन लेने? सुन लेने के लिए कोई अधिकारी नहीं आता है, आता है चला जाता है। SDM महोदय से जरूर हम लोगों ने निवेदन किया, अब SDM महोदय जरूर हमारे यहाँ सुमाननीय जी चेकिंग शुरू कर दी है उन्होंने, दो ब्लॉक जांच कर दे रही है। अब उनकी जांच आएंगे, अब ये बराबर जारी रहेगी, महीना भर बता रहे थे वो। तो मतलब ये साफ सफाई हो रही, फिर आप लोग कैसे करा रहे हैं? अब साफ सफाई अपने हाथों कर रहे हैं यार, एक दो कभी दो चार दिन में मेहतर आ जाते हैं नगर पालिका के और मल्टी करके चले जाते हैं। सरकार की पूरी उपेक्षा है? सरकार की तरफ से कहीं कोई सुविधा नहीं है। हम लोग चंदा करके टंकी सुधरवाते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, अगर पानी खत्म हो जाता है, हैंडपंप खराब पड़े हैं आधे से ज्यादा कॉलोनी में, मतलब यहाँ